गुस्सा तुम पे? Not at all. बात क्या हुई मैं बता सकती हूँ तुम्हें, अगर तुम मुझे भूल दिला दो तो बताऊंगी. अच्छा तो फिर चलते हैं यहाँ से. पागल. यहाँ बैठ जाते. भाई चाय यहाँ भी लाना. अभी लाया. फिर क्या बात हुई? हाँ उन्होंने हमारे अंदाजे से मुख्तलिफ कुछ भी नहीं कहा, बस वही बातें दोहराई हैं जो तुम मुझसे पहले ही कर चुके हो, जैसे कि खानदान की सोच, कैसे लोग हैं, बस यही सब कहा और कुछ नहीं. अच्छा. अरे उन्होंने मुझसे बहुत नरमी से बात की यार, मेरा मतलब कि मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की. सिनान तो फैल भाई और लैला का डिवोर्स क्यों हुआ था? उन दोनों की सोच बहुत मुख्तलिफ थी एक दूसरे से. उनकी जो पहली लड़ाई थी वो बच्चे के नाम पर हुई थी, तो फैल को इतरीस नाम रखना था और लैला को दोरुख. ये था लड़ाई का रीजन, तो फैल भाई ने उसके बेफॉर्म में इतरीस नाम लिखवा दिया था. इस पर इतनी लड़ाई हुई कि तलाक हो गई. देखो सिनान माफ करना, लेकिन लैला बिल्कुल हक पर थी यार. कौन भला बच्चे का नाम माँ की मर्जी के खिलाफ लिखवा सकता है, ये बात को तो समझो तुम. क्यों नहीं लिखवा सकता? और वैसे भी वो नाम दादा की वसीयत के मुताबिक ही था, और वो ये थी कि तुफैल के बेटे का नाम इदरीस होगा और जो मेरा बेटा होगा उसका नाम दुरसुन रखेंगे हम. तो अल्लाह ने कभी अगर हम दोनों को बेटा दिया, दुरसुन नाम भी बुरा नहीं है वैसे. क्या? मैं अपने बेटे का नाम दुरसुन नहीं रखने वाली. इसमें क्या है और क्या बुराई है? एरिस. ये क्या नाम हुआ? ग्रीक माइथोलॉजी में जंग के खुदा का नाम है. ऐसा नाम रखने से बेहतर है उसका कोई नाम ही ना रखा जाए. और मैं अपने बच्चे को दुरसुन नहीं कहूंगी, समझे? याद रखना बच्चे का नाम तो दुरसुन ही होगा. मेरे बच्चे का नाम होगा एरिस, समझे तुम? यशिम गुस्सा मत दिलाओ, दुरसुन होगा तो दुरसुन ही होगा. ऐसा कभी नहीं होगा सिनान, सुन लो तुम. अगर बेटा हुआ ना तो नाम तो उसका दुरसुन ही होगा. हाँ ठीक है, तो फिर मैं दुरसुन नाम का बच्चा पैदा ही नहीं करूंगी. जाओ किसी और से करवा लो जाके बच्चा. हाँ तो बस ठीक है, तो फिर मैं ऐसी ही कोई लड़की ढूंढूंगा जिसको दुरसुन नाम पसंद होगा. तुम बैठ के इंतजार ही करती रहो बस. ओ रियली? ठीक है तुम जाओ और जाके दुरसुन की माँ के साथ खुश रहो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से. हाँ ठीक है जाना है तो जाओ, वैसे भी बहुत वक्त जाया हो चुका है मेरा. तो फैल भाई बिल्कुल हक पे थे, उन्होंने कहा था कि तुम बहुत पछताओगी, देखना अब देख लो तुम खुद ही. हाँ बिल्कुल ठीक ही कहा होगा भाई ने, पछता तो मैं भी रहूं बुरी तरह. मुझे भी नहीं रही तुमसे मोहब्बत. अगर नहीं है तो यहाँ बैठ के कर क्या रही हो तुम? सही कह रहे हो. तो फिर उठ के जाओ यहाँ से, मेरा और अपना वक्त जाया क्यों कर रही हो? ठीक है सिनान, अब तुम मेरी शक्ल कभी भी नहीं देख पाओगे. बिल लेकर आओ, बिल लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ बिल. आपने तो कुछ खाया नहीं है सर. मैंने कहा बिल लेकर आओ तो बिल लेकर आओ ना तुम. चलो तैयार हो जाओ डफने, क्योंकि यहाँ लंगाराज साहब का टॉर्चर शुरू होने वाला है. क्या मुसीबत है, इसके नखरे उठाने पड़ेंगे. जी अंकल. हाँ यालिन, चलो आज मिलते हैं और उस लड़की का मैटर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहते हो? आज नहीं मिल सकूंगा अंकल, बड़ा मसला हो गया है. अरे यार अब क्या मसला हो गया है? बस टांग में थोड़ा दर्द है अंकल, फ्रैक्चर हुआ है इसलिए घर पे हूँ मैं आज. ओह ये तो वाकई मसला है. चलो मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास. आप कल आ जाइए ना भाई, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ इसलिए. कल आऊँ? ठीक है ठीक है, लेकिन अगर कल तुम कोई बहाना करके भागे तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा, समझे? भाग जाऊंगा ऐसा मुमकिन नहीं है आजकल अंकल. चले फिर कल मिलते हैं उस्मान अंकल, इजाजत दें. उस्मान अंकल का फोन था ना? कल मुझे कत्ल करने आ रहे हैं. अच्छा समझ गई, तो फिर हम मिलके थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि कल का तो पता नहीं कि तुम रहो ना रहो. हाँ सही कहा तुमने, वैसे मैं उन्हें ये बात जरूर बताऊंगा कि सारा मसला इसलिए हुआ क्योंकि तुम दानिया से जेलस हो गई थी. हो सकता है मामला खत्म हो जाए, लेकिन क्या तुम एक बात जानती हो? अगर उस्मान अंकल तुम्हारी दादी को ये पूरी बात बता दें तो बड़े भाई भी हैं मेरे साथ, तुम भी फिनिश. क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं मैं तो मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कहा. मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ वो गलतफहमी थी, जिसकी वजह से तुम्हारी अगले महीनों की प्रमोशन भी रुक सकती है.
वाकई में? वाकई समझ गई, ये ब्लैकमेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मसलन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बताओ, मैं ला देती हूँ। एक ग्लास पानी ले आओ तो अच्छा होगा। तुम जरूरत से ज्यादा ही मीठे बन रहे हो। वाह लड़की, शायद तुम्हें मीठा लग रहा होगा। तुम तो बुरा ही मान गए, एक्चुअली इतनी तमीज से बात कर रहे हो ना, तो कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। बहुत ज्यादा ठंडा पानी ले आई हो। यालिन, हवा वैसे ही गर्म चल रही है और ये पानी बिल्कुल नॉर्मल है। बीमार हो जाऊंगा मैं यार, पहले ही पैर टूटा हुआ है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। कोई नखरे तो देख ले इन साहब के, इतने नाजुक बन रहे हैं, जैसे जरा सा ठंडा पानी पियेंगे तो इनका गला बंद हो जाएगा। कसम से मेरे अंदर का शैतान तो कह रहा है कि इसी पानी की बोतल से इसका मुंह धुलवा दो, लेकिन जाने देती हूँ, पहले ही बेचारे का इतना बुरा हाल है, मजीद बीमार हो जाएगा। बाबा हिंद से, ये सिराज साहब एक दिन मुझे पागल करके ही छोड़ेंगे देखना। इस वक्त तरबूज खाना है उन्हें, तंग आ गई हूँ मैं तो, और काम कम थे जो अब तरबूज भी काट के दूं मैं उन्हें। बीमार और हैंडसम बॉस, उम्मीद है कि पानी आपको ठीक लगेगा। डेफने, इतना गर्म भी तो नहीं कहा था मैंने, इतना गर्म पानी कैसे पी सकता हूँ मैं। मगर देखो, नाराज नहीं, लेकिन गर्मी में ऐसा पानी कौन पिएगा। लो खुद देखो, गर्म नहीं है क्या ये? मैनू लगता है तेनू कोई हो।